एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जनमानस क्लासेज में। आपको स्क्रीन पर दिख रहा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल। यदि किसी परीक्षक तैयारी कर रहे हैं तो और तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपको अपना मूल अधिकार जानना जरूरी है। तो चलते हैं, आज की इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 में जो इसका उल्लेख किया गया था। मौलिक में अक्षर 3 और भाग 3, आपको ये चीज़ें याद करना, मौलिक में अक्षर 3 और है भाग 3 में, तो इजीली आप याद कर सकते हो। कहाँ पर उल्लिखित है आप बताओगे, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में। अब एक एक चर्चा कीजिए। मूल अधिकार का विचारधारा कहाँ से लिया गया है तो उत्तर आप बताएंगे, मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। अब बात करते हैं व्यक्तित्व के विकास, मौलिक अधिकार हमारे लिए क्यों जरूरी है। व्यक्तित्व के विकास के लिए जो अधिकार आवश्यक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। शिक्षा, आवास, चिकित्सा, सुरक्षा, भोजन, रोजगार, ये सब क्या आते हैं, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। मौलिक अधिकार जो है वाद योग्य है, न्याय योग्य है, मतलब इसको लागू कराने के लिए आप जो है कोर्ट जा सकते हैं, अर्थात मौलिक अधिकार न्यायालय जा सकते हैं। जबकि आपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में आप पढ़ेंगे तो राज्य नीति लागू कराने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में, जबकि अनुच्छेद 226 के अनुसार जो है उच्च न्यायालय जाया जा सकता है। दोनों आपको याद कर रखना, सर्वोच्च न्यायालय में 32 और 226 के तहत कहाँ, उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में जा सकते हैं। चलते हैं, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है तो आप बताएंगे सर्वोच्च न्यायालय को या सुप्रीम कोर्ट को संरक्षक माना जाता है। कोई भी विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर अपना पक्ष रखता है। चलते हैं, 26 जनवरी 1950 के समय 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, आज जो है 6 ही हैं। इस समय जो है प्रॉपर्टी राइट को हटा दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में कितने 6 मौलिक अधिकार हैं, इसको हम चर्चा कर ही चुके हैं। अब बात करते हैं 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। समता का अधिकार कब है, किस में है, 14 से 18 में समता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है, अभी इसको ट्रिक के साथ हम याद करेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में, 23 से 24 में है। और धर्म में स्वतंत्रता 25 से 28 है। और वहीं संस्कृति तथा शिक्षा संबंधित अधिकार किसमें, 29 से 30 में है। और सातवां देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है, 32 है। अब यहाँ पर एक समता देखिए, इसमें दोनों 4 और 8 दोनों में क्या है, तो सम संख्याएं हैं। और किसी में आप देखेंगे दोनों संख्याएं सम संख्याएं नहीं, तो समता का अधिकार क्या है आप बताएंगे, 14 से 18 में है। और कुछ के आपको जितना ट्रिक्स था मैंने बता दिया, आप इनको अन्य तरीकों से याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें दिया गया है, उपचारों का अधिकार किसमें दिया है, 32 में है। उपचारों यानी चबाना, याद करिए 32 दांत होते हैं मानव में और लोग क्या करते हैं, चबा चबा के करते हैं। तो संवैधानिक उपचारों और चबाना याद कर लीजिए, चबा चबा के खाते हैं। तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है कहा गया है। अब बात करते हैं संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया, तो पहले तो 26 जनवरी 1950 के समय मौलिक अधिकार था जिसका उल्लेख 19(1)(4) तथा अनुच्छेद 31 में था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में विधिक जिसका उल्लेख जो है 300(1)(k) में रख दिया गया, 300(1)(k) में जो है इसको विधिक अधिकार कर दिया गया है। 19(6) में अर्जित संपत्ति की चर्चा और अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है। चलते हैं देखिए, अर्जित संपत्ति की चर्चा 19(6) में, जबकि अनुच्छेद 31 में किसकी, पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है। अब बात करते हैं एक एक करके समता के अधिकार के बारे में। पहले तो हम फर्स्ट मूल अधिकार, समता का अधिकार या समानता का अधिकार इसी को बोलते हैं। पहले अनुच्छेद में क्या कहा गया है, विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की बात कही गई है, अर्थात कानून के नज़र में सभी लोग बराबर होंगे, कानून अमीर और गरीब दोनों के लिए है। अब बात करते हैं विधियों के समक्ष संरक्षण किस कहाँ से लिया गया है, तो आप बताओगे अमेरिका से, जबकि विधियों के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। तो दोनों चीज़ें याद रखना है। अब बात करते हैं 15 में धर्म, मूल, जाति, वंश के आधार पर, देखिए धर्म
मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान 5 आधार 5 से 15 और 5 से 5 आधारों पर भेदभाव नहीं, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर जो किसी को अलग या विभेद या निषेध नहीं किया जा सकता है। जैसे अब बात करते हैं दुकानों, सड़कों, होटलों, सार्वजनिक आदि स्थानों पर धर्म, मूल जाति, वंश के आधार पर जो निषेध नहीं किया, भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये बात कहाँ पर कहता है? अनुच्छेद 15 में कहता है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी सरकार कोई वैकेंसी निकालती है तो सबके लिए समान, लेकिन कुछ लोगों को देखिए इसके तहत स्पेशल राइट दिए गए, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी के लिए स्पेशल राइट दिए गए हैं क्योंकि इनको समानता का दर्जा पहले से नहीं प्राप्त था, इसीलिए इसके तहत ही उनको समान लाने के लिए जो ही आरक्षण दिए गए। सरकारी नौकरियों में सबको अवसर मिलेगा, अवसर देते समय राज्य योग्यता का निर्धारण कर सकता है, ये बात कहा गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, अनटचेबिलिटी 17 और अनटचेबिलिटी की बात किसमें की गई, तो अनुच्छेद 17 में बात की है अस्पृश्यता, यानी छुआछूत इसका मतलब होता है, अस्पृश्यता का निवारण किया जा सकता है। चलते हैं इसके निम्न आधार हैं, शिक्षा के द्वारा, जन जागरण के द्वारा, सम्मिलित आयोजन के द्वारा, कानून बनाकर अस्पृश्यता को दूर किया जा सकता है। अस्पृश्यता संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसके? संसद के पास है। संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 को पारित किया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 18 में उपाधियों, कोई स्पेशल उपाधि कोई धारण करके नहीं चलेगा, जैसे बात की पुरस्कार उपाधियों की श्रेणी में नहीं आते हैं, ये चीज़ें ध्यान रखना, पुरस्कार किसके? उपाधियों की श्रेणी नहीं आते। राज्य शिक्षा और सेना क्षेत्र में उपाधियां दे सकता है किन अन्य क्षेत्र में नहीं, शिक्षा और क्षेत्र के क्षेत्र देखिए देखिए डॉक्टर की उपाधि लगती है, डॉक्टर लोग लगा के चलते हैं, अन्य कोई उपाधि लगाकर नहीं चल सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राज्य में कोई उपाधि नहीं ले सकता है बिना राष्ट्रपति की अनुमति, ये चीज़ देखिए इसमें कहा गया है। कोई विदेशी नागरिक जो भारत सरकार के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर है, किसी विदेशी राज्य से कोई पुरस्कार या भेंट राष्ट्रपति की अनुमति से ले सकता है, वैसे नहीं लेकिन राष्ट्रपति अनुमति दे तो उसको ले सकता है। स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए दूसरा अधिकार क्या है आप बताओगे, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है, स्वतंत्रता का अधिकार इसकी चर्चा करते हैं। 19 में मिकाक एक मिकाक मिकाक वाक स्वतंत्रता नहीं बोलने की स्वतंत्रता, और उसके बाद 19 के 1 के काम क्या है, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्रता किसमें की गई, तो बताओ एक के काम, इसी में एक के काम ही प्रेस या समाचार पत्र की स्वतंत्रता, यानी कि मीडिया की स्वतंत्रता किसमें, 19 के काम ही है। बोलने की स्वतंत्रता, विचार देने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, ये सब किसमें है तो आप बताओगे 19 में ही है। ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, जानने की स्वतंत्रता, ये जो है 19(1) के काम ही किया गया। बोलने की स्वतंत्रता, विचार देने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, जानने की स्वतंत्रता, ये सब किसमें है 19(1) का में ही है। अब का में है शांतिपूर्ण सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, लेकिन इसमें हथियार का प्रयोग न किया गया हो। गा में है संघ बनाने की स्वतंत्रता, गा में भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता क्या है पूरे भारत में, लेकिन इमरजेंसी के समय मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। कहीं पर बसने की स्वतंत्रता, कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता, रोजगार रोजगार ऐसे हो सम्मानपूर्वक हो, ये नहीं कि चोरी चमारी को आप रोजगार समझ लें। अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के लिए संरक्षण की बात की गई है 1920 में। देखिए 20 और 21 जो है इमरजेंसी यानी आपातकाल के समय निलंबित नहीं होता। चलते हैं किसी व्यक्ति को जब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक कि वह किसी कानून को उल्लंघन न करे, ये बात कहा गया है अनुच्छेद, उस व्यक्ति को वही दंड दिया जाएगा जो उस समय कानून जब बना था जब वो उल्लंघन उसने किया था, यानी कि नया कानून बन गया तो उसके तहत उसको दंड नहीं दिया जाएगा। एक बार कानून का उल्लंघन करने पर एक ही बार दंड दिया जाएगा, एक से अधिक बार नहीं दिया जाएगा, ये अनुच्छेद 20 में कहा गया है। अब बात करते हैं नोट आरक्षण की बात करेंगे, तो आरक्षण महिला आरक्षण जो है 15(3) के तहत जो दिया गया है, और ओबीसी एससी एसटी आरक्षण और आर्टिकल 15(4) के तहत जो दिया गया है, और वहीं शिक्षण संस्थाओं में जो आरक्षण है तो 15(5) के तहत आरक्षण है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण जो सामान्य जो लोग हैं गरीब सामान्य गरीब हैं उसको 15(6) के तहत दिया गया है। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 6 की बात हो रही है। 21 में प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता,
ये भी जो है इमरजेंसी के समय जो है भंग नहीं होती है, लागू रहती है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार निम्न मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। शादी करने का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में शादी करने का अधिकार है। निजता का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार है। चिकित्सा पाने का अधिकार है। देखते हैं प्यारे साथियों, देखिए शिक्षा का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से था। प्रदूषण मुक्त पानी पीने का अधिकार, आवास का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार, फुटपाथ पर व्यापार करने का अधिकार, फांसी में विलंब का अधिकार भी जो है ये अनुच्छेद 20-21 में कहा गया है। ये सब जो है हमारे मौलिक अधिकार हैं। 21 के काम में कहा गया है शिक्षा का अधिकार जो है 21 के काम में उल्लिखित है। 6 से 14 वर्ष के आयु के बालक को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दिया जाए, ये 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में ये रूल आया था। अब बात करते हैं, देखिए एक एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है, आपको पहले सकते हो बने रहें। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निवारक कानून से संरक्षण की बात की गई है। कुछ दशाओं में ये चीज़ याद रखना, गिरफ्तारी से आपको बचाव के लिए अनुच्छेद 22 बताता है। किसी भी व्यक्ति को तब तक नहीं गिरफ्तार किया जाता है जब तक वह कानून का उल्लंघन नहीं करता, तब तक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा तथा उसे मनपसंद वकील करने की अनुमति होगी। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी की तिथि 24 घंटे के अंदर बतानी होगी। निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ये सब चीज़ें आपको करनी ही होगी। इन 24 घंटों के समय रास्ते पुलिस स्टेशन से मजिस्ट्रेट तक पहुंचने का समय नहीं जोड़ा जाएगा। ये चीज़ें याद रखना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। अब 23 में क्या, मानव के दुर्व्यापार, बेगार तथा बलात् श्रम का निषेध किया, जबकि 24 में कहा गया है यह अधिकार नागरिक तथा गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। 14 वर्ष की कम आयु के बालकों को जोखिम भरे उद्योगों में कार्य करने पर प्रतिबंध है, यानी 14 वर्ष से कम आयु है तो उसको जोखिम भरे उद्योगों में कार्य नहीं कराया जा सकता है। अब बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता, चौथा मौलिक अधिकार के बारे में आते हैं। 25 से 28 में बात कर देते हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी धर्म को अभ्यास तथा प्रचार करने, अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता किसमें दी गई है? 25 में क्या, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है, उसी तरह आचरण करने की स्वतंत्रता दी गई है। यानी कि मुस्लिम धर्म में टोपी लगाने की बात कही गई तो वो स्वतः लगा सकता है, उसमें सरकार कोई जो है हस्तक्षेप नहीं करेगी। अनुच्छेद 25 के अनुसार सिखों को कृपाण धारण करने के लिए को लेकर चलने का अधिकार है। 25 के तहत ही जो कृपाण लेके चलते, तलवार छोटा सा रख के चलते हैं, वो उनका मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध का स्वतंत्रता है, यानी धार्मिक कार्य से भंडारा कोई करना चाहता है तो प्रबंध का अधिकार उसे है। कोई भी धार्मिक रूप से संगठित हो सकता है और संपत्ति खरीद सकता है, ये चीज़ें भी याद रखना है, तथा खरीदी हुई संपत्ति को देख रेख भी कर सकता है, ये धार्मिक संपत्ति है। अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म के विकास के लिए करों में छुटकारा का प्रावधान, यह सरकार कर मुक्त करना चाहती है धार्मिक संस्था को तो कर मुक्त भी कर सकती है। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने तथा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है, यानी धार्मिक शिक्षा देने तथा उपासना में उपस्थित होने की जो है स्वतंत्रता हो, कोई उपस्थित या ना हो, ये उसको ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये बात भी 28 में की गई है। अर्ध सरकारी शिक्षण संस्थाओं में बच्चों को पूछ कर, यदि बच्चे छोटे हैं तो माता पिता से पूछ कर शिक्षा जो है दी जा सकती है, लेकिन न्यास ट्रस्ट वाले विद्यालय में धार्मिक शिक्षा दी सरकारी में नहीं दी जा सकती, लेकिन यदि ट्रस्ट वाले विद्यालय में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अब बात करते हैं पांचवा मौलिक अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधित मौलिक अधिकार। 29 से लेकर 30 में कही गई है बात। 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बात किया गया है। संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा धर्म और भाषा के आधार पर दी गई है। जो धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है, वो लोग अपनी भाषा तथा संस्कृति या कल्चर को नष्ट होने से बचा सकते हैं। जैसे अब बात करते हैं, वर्तमान में कुल 6 समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया गया है। पहले था मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसी। इन 6 धर्मों को जो है अल्पसंख्यक दर्जा का धर्म समुदाय का दर्जा प्राप्त है। मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसी, टोटल कितने आप बताएंगे? 6। अब बात करते हैं 30 की बात कर लेते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त है।
चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय स्कूल खोल सकता है और उसको देख रेख भी कर सकता है। अब नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें क्या, अनुच्छेद 32 में कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है, आप बताएंगे अनुच्छेद 32 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, किसका, संविधान का आत्मा किसने कहा, तो आप बताओ B.R. अम्बेडकर जी ने। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में जाया जा सकता है, ये बात अनुच्छेद 32 में कहा गया, जबकि 226 के तहत आप जो है उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। मौलिक अधिकार दिलाने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी किए थे, 5ों प्रकार के रिट के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, याचिका का अर्थ, आदेश, प्रलेख, ये सब के बारे में। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी इसी को इंग्लिश में हीवियस कार्पस कहते हैं, बंदी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, इसका मतलब होता है। परमादेश मतलब होता है हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध होता है मना करना। और बात करते हैं उत्प्रेक्षण, मतलब पूर्णतया सूचित कीजिए, उत्प्रेषण। और अधिकार पेचा, किस अधिकार से आप किसी उस पर बैठे हुए हैं सीट पे, ये बताना होता है। अब बात करते हैं 33 में, सैनिकों और सैनिक बलों, खुफिया एजेंसियों, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध है। 34 में मार्शल लॉ या सेना कानून लागू होने पर मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध की बात की गई है। 35 में मूल अधिकार के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसमें है, 37। देखिए 35 वाला भी लोग ये सब छोड़ देते हैं, लेकिन अब पेपर टफ बनने लगे तो इन सबको भी याद रखना है। अब हम आप चलते हैं 55 प्लस MCQ देखने वाले पहले सत्यों, हमारे साथ बने रहें। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है, परिवर्तन मतलब इसको जबरदस्ती लागू करें, मूल अधिकार, नीति निर्देशक, प्रस्तावना या मूल कर्तव्य। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या, जो मूल अधिकार जो है परिवर्तनीय है, मतलब इसे लागू कराया जा सकता है, जबकि भारत के नीति निर्देशक तत्व को लागू नहीं कराया जा सकता है, ये सरकार के ऊपर निर्भर होता है उसे कब लागू करेगा। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, संसद कर सकता है, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या प्रधानमंत्री, कौन कर सकता है मौलिक अधिकारों का निलंबन, तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति कर सकता है, इसका उत्तर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता को पूर्ण नियंत्रित करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला साथियों 14 जो है विधायन सत्ता पर जो है पूर्ण नियंत्रण, क्योंकि समता का अधिकार इसी के अंतर्गत दिया गया है, 14 के अंतर्गत ही दिया गया है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने पर सर्वोच्च न्यायालय के समान कार्य के लिए समान वेतन की बात परिभाषित होती है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 14, 15 और 16 के तहत जो तीनों एक साथ पढ़ा जाए तो तीनों में निकलता है समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने की बात की उल्लेखित होती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध करता है, तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत का विरोध करता है, तो आप बताओगे अनुच्छेद 17 में छुआछूत की बात की। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं, स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सा स्वतंत्र नहीं, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, भाषण व्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, तीनों को जो है इसमें संविधान में शामिल किया गया है, तो इसका उत्तर चीज गड़बड़ है। आबाधी स्वतंत्रता ऐसा नहीं है, बाधित स्वतंत्रता है, मतलब अव्यक्ति स्वतंत्रता है, लेकिन आबाधी स्वतंत्रता नहीं कि सरकार रोक ही नहीं सकती, कानून कोई है ही नहीं, जब तक किसी का कोई प्रभाव न पड़े तब तक ही आपका भाषण सही है, अन्यथा किसी को प्रभावित कर रहा होगा तो दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन करेगा। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको बता दें 23 और 24 में कही गई है, 23 में जो है बलात्श्रम की बात की गई है, जबकि 24 में बच्चों को किसी भी फैक्ट्री वगैरह में जो है कार्य कराने से रोका गया है। अनुच्छेद बच्चों के लिए है कौन सा, तो अनुच्छेद 24 में जो है बच्चों को संरक्षण प्रदान कर रहा है कि किसी भी उसको जबरदस्ती या किसी फैक्ट्री में जोखिम भरे फैक्ट्री में काम कराने से रोका जाए। चलते हैं नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालकों को खान तथा अन्य संकट में सेवा के लिए जाने से प्रतिबंधित किया गया है, तो आप बताओ 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जो है किसी भी खान तथा संकटमय सेवा में जो है रोका गया है। किस स्थिति बंदी प्रत्यक्षीकरण हीबीएस कार्पस जारी करता है, हीबीएस कार्पस कब जारी करता है, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, कोई दोषपूर्ण नजरबंदी करता है तो उसके लिए जो है कोर्ट जारी। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत परमादेश निम्न में से कौन सा है, पहला है
उत्प्रेषण, अधिकार प्रेक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है न्यायालय द्वारा जारी किया कि बंदी को हमारे समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाए सशरीर। चलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, तो आपको बता दें उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार प्रेक्षा, ये तीनों जो है न्यायालय द्वारा ही जारी किए जाते हैं। चलते हैं, निम्नलिखित में से याचिका का शाब्दिक अर्थ जो होता है हम आदेश देते हैं, तो उत्तर जो है परमादेश का उत्तर होता है हम आदेश देते हैं, यानी उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नोक्त समावेश में से कौन सा समावेश किसी अवैध व्यक्ति के सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अधिकार प्रेक्षा। आप किस अधिकार से बैठे हैं इसको पूछा जाता है किसके तहत, तो इसका उत्तर अधिकार प्रेक्षा के तहत पूछा जाता है कि कोई किसी दूसरे के पद को जब हथिया लेता है बिना अधिकृत किए, तो अधिकार प्रेक्षा नामक जो है रेट जारी किया जाता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने कौन सक्षम है, तो उत्तर हो जाएगा सक्षम कौन है, तो आप बताओगे संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की जारी करने की आवश्यकता होती है, पहला है अधिकार प्रेक्षा, दूसरा है उत्प्रेषण और तीसरा है परमादेश और चौथा है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसे कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वो हकदार ही नहीं है, तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा अधिकार प्रेक्षा, जिसके लिए वो अधिकृत ही नहीं है उसके लिए उसे रोका जाता है, तो आप अधिकार प्रेक्षा के तहत किस अधिकार से आप इस कार्य को कर रहे हैं इसके तहत पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में, मौलिक में अक्षर 3 और किस संविधान के किस भाग में, तो भाग 3 में 12 से लेकर किस में 35 तक में इसका उल्लेख है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश के संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी, तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी, तो उसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका ने। और भारत का जो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे अमेरिका से ही लिया गया है। चलते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को किस भाग में सर्वाधिक अवलोकित किया है, तो आपको बता दें भाग 3 को सर्वाधिक अवलोकित किया है और भाग 3 के अनुच्छेद आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा भी कहा है। चलते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो संविधान के किस अनुच्छेद में आपको बता दें 19 से 22 में जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं, तो 19 में जितने भी हैं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। चलते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है, तो इसका उत्तर पहला ऑप्शन है केवल विधायिका के विरुद्ध, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध, केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, तो इसका उत्तर आप क्या बता दें कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध जो है संविधान में 21 के तहत जो है संरक्षण प्रदान किया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आर्टिकल प्रेस की स्वतंत्रता यानी मीडिया की स्वतंत्रता किसमें उल्लिखित है, तो बताओ 19 के 1 के काम में जो है जिसमें कहते हैं कि बोलने की स्वतंत्रता में ही जो है प्रेस की स्वतंत्रता ही निहित है। नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन सा है, पहला ऑप्शन आपको देखा भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, विदेश में घूमने की स्वतंत्रता, हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, तो इसका उत्तर भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही केवल जो है नागरिकों स्वतंत्रता संबंधी अधिकार है, अन्य सभी नहीं है। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिए है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आप बताएंगे 25 से लेकर 28 तक में जो है धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो आर्टिकल 32 में जो है संवैधानिक अधिकार, इसी को डॉक्टर अंबेडकर जी ने क्या कहा था, तो इसको जो है आत्मा कहा था संविधान का। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार किसे डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा कहा था, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है, तो आर्टिकल किसमें 32 में है को ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है।
संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? 1978 में 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार यानी प्रॉपर्टी राइट को हटा दिया गया था। चलते हैं, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? सामान्य वैधानिक अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, संपत्ति के अधिकार को जो है अब विधि का अधिकार बना दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, मौलिक अधिकार नहीं है, कौन सा नहीं है? देश के भर में आज़ादी के साथ आने जाने की स्वतंत्रता, संवैधानिक प्रतिहार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्वक एकत्रित करने। तो आपको बता दें अब संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्नलिखित में किन परिस्थितियों में निलंबित होता है? तो पहला ऑप्शन है आपात स्थिति में, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो, उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। तो इसका उत्तर बता दें आपको, सभी परिस्थितियों में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार लागू नहीं होता, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण को जारी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समता का अधिकार भी है, स्वतंत्रता का भी है, वैधानिक उपचारों का अधिकार, जबकि संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है,